अमेरिका में हुए जॉर्ज फ्लॉयड हत्याकांड को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ऐसे में पूरे वर्ल्ड में रेसिज्म का मुद्दा उभर कर सामने आया है। वहीं बॉलीवुड सितारे भी इस बात को सपोर्ट कर #BlackLivesMatter और #AllLivesMatter कैंपेन को प्रमोट कर रहे हैं। आपको बता दे कि बॉलीवुड स्टार्स को भी रेसिज्म का शिकार होना पड़ा है। जी हाँ, सही सुना आपने। और इन किस्सों को खुद आपके फेवरेट स्टार्स ने शेयर भी किया है। तो आज हम आपको यू वोंट बिलीव में उन स्टार्स के बारे में बताते हैं जिन्हें रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था। शाहरुख खान को एक नहीं बल्कि तीन बार एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया है। उन्हें साल 2009, 2012 और 2016 में अमेरिका के एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया। शाहरुख खान ने साल 2016 में फ्रस्ट्रेशन में आकर ट्विटर पर एक पोस्ट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया के जैसे हालात है, मैं सिक्योरिटी और सुरक्षा की कद्र करता हूँ, लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन में हर बार डिटेन होना काफी फ्रस्ट्रेट करने वाला अनुभव है। I fully understand and respect security with the way the world is, but to be detained at US immigration every damn time really sucks. In fact, ek bar ek interview mein SRK ne kaha, whenever I start feeling too arrogant about myself, I always take a trip to America. The immigration guys kick the star out of stardom. प्रियंका चोपड़ा आज एक ग्लोबल स्टार बन चुकी है और वो बॉलीवुड के साथ ही हॉलीवुड में भी अपने आप को स्थापित कर चुकी है। हालांकि प्रियंका को भी रेसिज्म का शिकार होना पड़ा है। प्रियंका अपने एक इंटरव्यू में खुलासा कर चुकी है कि अमेरिका में उन्हें स्कूल के दिनों में उनके सांवले रंग की वजह से उन्हें लोग ब्राउनी कहकर बुलाते थे। प्रियंका ने ये भी कहा था कि उन्हें रंगभेद के चलते एक हॉलीवुड फिल्म भी गंवानी पड़ी थी। प्रियंका का कहना था, आई हैड यू नो रियली रेसिस्ट बिहेवियर When I was in high school, in 10th grade, I was called brownie, curry, told to go back on the elephant you came on, and that really affected me when I was a kid and affected my self-esteem. In the recent times, I lost a film because of this. They said I don't match the physicality. Aamir Khan. साल 2002 में आमिर खान को अमेरिका के शिकागो एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया था। इसकी वजह उनके नाम के पीछे खान लगा होना था। रिपोर्ट्स के अनुसार आमिर के इस दौरान काफी जांच पड़ताल की गई थी। सोनम कपूर भले ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हो, लेकिन उन्होंने एक इवेंट में रेसिज्म को लेकर अपनी राय रखी थी। उन्होंने कहा था कि जब आप किसी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो लोग आपको आपके रंग से जज करते हैं और वो कलर देखकर ही फैसला कर लेते हैं कि हमारे माता पिता रूढ़िवादी है, यानी पुरानी सोच रखते हैं। शिल्पा शेट्टी को अमेरिकी टीवी रियलिटी शो बिग ब्रदर में रंगभेद का सामना करना पड़ा था। 2008 में बिग ब्रदर के दौरान जेड गुडी ने शिल्पा शेट्टी का आपत्तिजनक शब्द कहकर मजाक उड़ाया था, जिसके चलते काफी हंगामा भी हुआ था। हालांकि शिल्पा शेट्टी उस शो की विजेता बनने में कामयाब रही थी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एयरपोर्ट पर भी शिल्पा के साथ नस्ल भेदी व्यवहार हुआ था। इरफान खान। लेजेंडरी एक्टर इरफान खान अब नहीं रहे, लेकिन इन्हें भी रेसिज्म का शिकार होना पड़ा था। उन्होंने इस बारे में कहा था, इट्स ह्यूमिलिएटिंग, दे डोंट इवन डिस्क्लोज द रीजन। Actually, I don't use my surname Khan in films, but in passports, surname and religion are required. I was stopped not once, but several times at airports in the US. इनके अलावा भी कई एक्टर्स को रेसिज्म का शिकार होना पड़ा है। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। Also, do like, follow and subscribe to Bollywood Now on Facebook, Instagram and YouTube.